हाँ जी सभी को गुड इवनिंग राधे राधे नमस्कार प्रश्नों का एक महायज्ञ हम रोजाना आपके सामने चार से पांच लेकर आते हैं और आज की क्लास के अंदर जो प्रश्न है स्पेशली आप खुद इस बात को महसूस करोगे आप अपना मूल्यांकन करना आज की क्लास के प्रश्नों में जो स्टार्टिंग के चार पांच प्रश्नों को छोड़ने के बाद में जो प्रश्न आने वाले हैं किस प्रकार से आप आते हुए प्रश्नों पर गड़बड़ करते हो एग्जाम सेंटर के अंदर आज की क्लास से ही आपको पता लग जाएगा मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि क्लास के अंदर 20 बाईस 25 प्रश्न है आज की क्लास में 25 फाइव क्वेश्चन के अंदर आपकी तैयारी कितनी भी सुदृढ़ हो आपको जवाब तो आता है आंसर तो आता होगा लेकिन आते हुए प्रश्न आप कैसे गलत करोगे आज की क्लास से आपको यह क्लियर हो जाएगा तो प्रश्नों को ढंग से पढ़ना है हालांकि एग्जाम सेंटर में कोई कहने नहीं आएगा आपको बावजूद भी आप क्या गलती करोगे पच्चीस प्रश्नों का चुनाव किया गया है और ये पच्चीस प्रश्न दो के ही एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है हमने दो का भी नहीं लिया है 2023 के अंदर जितने भी परीक्षा हुई है उसके अंदर विभिन्न एग्जाम्स के अंदर उन प्रश्नों का चुनाव किया गया इसमें दूसरी विशेष इस बात क्या है कि करंट 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 से 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 रिलेटेड 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 करके जो भी प्रश्न में ज्योग्राफी के अंदर अपडेट है, 2023 की की या 22 वो सारे प्रश्न हमने इस क्लास के अंदर डाले हैं तो प्रश्नों का चुनाव ढंग से करना आराम से जवाब देना और फिर सुनिश्चित करना कि आप कहा गलती करते हो क्या आपने प्रश्न को पढ़ने में गलती की या विकल्प को पढ़ने में गलती की या प्रश्न को समझने में गलती की वो इसका चुनाव कर लेना आज की क्लास ये सारी आपकी खामियां दूर कर देगी ठीक है चलिए शुरू करते हैं सभी को गुड इवनिंग प्रश्न है स्टार्टिंग के प्रश्न नॉर्मल है आप आराम से जवाब दे सकते हो पहला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय सवा छय पर घाटोल जो कि ये कहना चाह रहा है मैं शुरू से ही समझा रहा हूं यहां से समझो आप ये प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मानक समय जहा समय हो रहा है सवा छि की पी एम कोई स्थान है घाटोल जिसके जिसकी स्थिति है तेईस डिग्री उत्तरी अक्षांश पहली बात तो एक विशेष बात ये याद रखो कि यहाँ समय में अक्षांशों का कोई योगदान नहीं होता है ठीक है आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो आवाज मेरी थोड़ी कम रहेगी आप आराम से प्रश्न को समझें यहां इसने क्या कहा है तेईस डिग्री पैंतालीस मिनट उत्तरी अच्छांश ये कुछ भी अच्छांश डाल दे तीस पैंतीस चालीस पचास जो भी है केवल इसलिए डाला गया है कि आपको कंफ्यूज किया जाए चौहत्तर डिग्री तो वा, पच्चीस मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है में स्थानीय समय क्या होगा चलिए ऐसे प्रश्न का जब जवाब देना हो आप कैसे दोगे पहले तो कह रहा है भारतीय मानक समय और भारतीय मानक समय है साढ़े बयासी डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इस पर कह रहा है ये सवा बजकर पंद्रह पीएम की बात कर रहा है ठीक है इतना समय हो रहा है फिर क्या कह रहा है सेवेंटी फोर डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तो सेवेंटी फोर इससे पहले ही आएगा ना तो ये लो सेवेंटी फोर डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट ईस्ट यहां का समय पूछ रहा है आपसे प्रश्न ये है जब भी ऐसा प्रश्न आए दो स्थानों का जो देशांतर है उसको आपको माइनस करना है माइनस करने के बाद में जो समय अंतराल आएगा ठीक है उसको बढ़ाना है या घटाना है अगर आप किधर जा रहे हो आप जा रहे हो पश्चिम की तरफ तो समय को घटाना है और पूर्व की तरफ आओगे तो समय को बढ़ाना है किसमें मानक समय में क्लियर है अब देखो आप इसमें इसने कहा तो यहां से आप अंतराल निकालो 82 डिग्री में से एट्टी टू डिग्री थर्टी मिनट में से सेवेंटी फोर डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट को माइनस करना है जब हमने माइनस किया तो मिनट तो आए इधर पांच और डिग्री आए आठ ये देशांतर अंतराल निकल के आया आठ डिग्री पांच आठ डिग्री का मल्टीप्लाई किया चार से क्योंकि हमारी पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में चार मिनट का समय लगता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे चार मिनट का समय अंतराल आता है ये अठ के बत्तीस मिनट हो गए सीधे सीधे ठीक है आगे क्या था पांच मिनट था ये वाला और मिनट का मल्टीप्लाई जब आप मिनट से करते हो तो याद रखना सेकंड आते हैं तो ये आगे बीस सेकंड तो समय बत्तीस मिनट बीस सेकंड पहले आपको बत्तीस मिनट को किसमें से छह पंद्रह में से, से माइनस करना है तो बत्तीस में से पहले पंद्रह को माइनस किया पंद्रह को माइनस कर दिया आपने तो फिक्स कितने बज गए छ पंद्रह को माइनस किया है फिर समय कितना बचा सत्रह बीस यही बचा ना सत्रह बीस ये बचा अब इसको माइनस करना है किसने में से छह में से फिर आपने माइनस किया सत्रह को सत्रह को जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा पांच बजकर फोर्टी थ्री मिनट और बीस सेकंड को और माइनस कर दिया आपने तो ये आ गया पांच बजकर फोर्टी टू मिनट और चालीस सेकंड देख लो इसमें आपका राइट आंसर आएगा थर्ड ठीक है पीएम का समय हो जाएगा ये प्रश्न आया हुआ है और प्रश्न बड़ा अच्छा है को इसमें कुछ भी नहीं है आप आराम से ये चार जो विकल्प दे रखे ना इनमें आराम से पता कर सकते हो आप क्लियर है चलिए अगला प्रश्न लो निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है फटाफट ऑप्शंस पढ़ो और चुनाव करो क्या आंसर आपका रहेगा झालावाड़ प्रतापगढ़ भीलवाड़ा बांसवाड़ा करौली कोटा और डूंगरपुर भरतपुर पहले तो मैंने कहा था प्रश्न को ढंग से पढ़ना यह कह रहा है नहीं लगती है क्लियर देखो एमपी से दोनों लगते हैं ठीक है ये दोनों बस बांसवाड़ा एमपी के साथ साथ गुजरात को भी टच करेगा लेकिन एमपी से तो लगता ही है ये ना यह भी टच करेगा करौली एमपी से कोटा एमपी से डूंगरपुर गुजरात से और भरतपुर वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो ओनली यूपी से और जब तेतीस जिले हुआ करते थे तब ये यूपी और हरियाणा दोनों से लगता था लेकिन अब डी लगेगा यूपी और हरियाणा से डीग ऑप्शन तो राइट आंसर क्या हो गया आपका डी राइट आंसर हो गया ठीक है डी आ रहा है आपका बहुत बढ़िया अब देखो अब प्रश्न स्टार्ट होंगे आपके एक आध प्रश्न हो रहे हैं ऐसा नॉर्मल उसके बाद में आपके प्रश्न प्रारंभ होने वाले हैं जो आपको 360 डिग्री पे घुमाएंगे और उसमें ये प्रश्न प्रारंभ हो गया है आराम से पढ़िए और जवाब दीजिए झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे आराम से प्रश्न पढ़ो और फिर चुनाव करो कि आपका आंसर क्या होगा इसमें फटाफट बताओ आज की क्लास आपकी तैयारी को ठीक है चार चांद लगा भी सकती है और याद रखना आपका मनोबल डाउन भी कर सकती है कि आप क्या पढ़ रहे थे इस परिस्थिति में पढ़ने से कोई मतलब नहीं पढ़ा आपने जैसे भी है डिपेंड करता है ना इस परिस्थिति में आप किस प्रकार से अपने आप को हाँ यहां पर प्रदर्शित करते हो आपके आंसर किस प्रकार से आते हैं आप क्या सोच रहे हो क्या डाटा आपने पढ़ा था और इसमें अब आप आपका जवाब क्या आता है वो आपको थोड़ा सा याद रखना है ठीक है बताइए क्या आंसर होगा प्रश्न को ढंग से पढ़ो झालावाड़ से बीकानेर की यात्रा कर रहे हो एक सीधी रेखा में क्या क्या पढ़ेगा ये आपको बताना है आपके जवाब आ रहे हैं ए ऋतु का आया है डी ओके okay. चलो चेक करते हैं जब आप झालावाड़ से जा रहे हो देखो ये बोराट का पठार है बोराट का पठार आता है यूपी सॉरी यहां से हम बात करें तो उदयपुर प्लस राजसमंद उदयपुर प्लस राजसमंद हारोती का पठार कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ और यहां क्या लिखा हुआ है मध्य अरावली तो आप एक बात बताओ उदयपुर और जो राजसमंद है यह कह रहा है झालावाड़ से बीकानेर की यात्रा करनी एक सीधी रेखा में तो जब आप झालावाड़ से बीकानेर जा रहे हो तो उदयपुर कहां से पड़ गया रास्ते में मुझे बताता और वो कह रहा है सीधी रेखा में प्रश्न में लिखा हुआ है ना सीधी रेखा में जाना है तो उदयपुर कहां से पड़ेगा राजसमंद कहां से आएगा ये एक बात बताओ गलत हो गया ना ये प्रश्न को पढ़ो ढंग से आगे क्या कह रहे हैं मध्य माही मैदान अब ये तो दक्षिण राजस्थान आ गया ना झालावाड़ से आपको कहां जाना है बीकानेर की तरफ तो ये कहां पड़ गया आगे क्या कह रहा है विंध्यन कगार विंध्यन कगार का मतलब है कि धौलपुर वाला भाग भी करौली वाला भाग भी सवाई माधोपुर वाला भाग भी जब आप झालावाड़ से बीकानेर जा रहे हो तो आप धौलपुर थोड़ी जाओगे करौली थोड़ी जाओगे तो ये भी गलत हो गया यहां दे रखा हाड़ोती बिल्कुल झालावाड़ से जा रहे हो हाड़ोती प्रदेश में है बीच में बनास बेसिन पड़ेगा कैसे पड़ेगा जब आप झालावाड़ से बीकानेर जा रहे हो तो भीलवाड़ा भी रास्ते में आएगा कि नहीं आएगा टोंक पड़ेगा अजमेर पड़ेगा ये सब पड़ेंगे रास्ते में तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है और आगे क्या आ जाएगा इसमें आगे आ जाएगा मध्य रावली मतलब अजमेर वाला भाग तो आपका राइट आंसर इसमें डी है डी है इसका राइट आंसर ऐसे ही प्रश्न है आज की क्लास में और ये सारे 2023 के पेपर में आए हुए प्रश्न है चलिए अगला प्रश्न लो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को बहुत घुमाया गया है इस प्रश्न को इतना घुमाया गया है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं ना यहां तो आप ठीक है नब्बे पढ़ लोगे कोई बात नहीं लेकिन सामने ये भी देख लेना बीस दे रखा है या अस्सी है तो सामने देख लेना चालीस दे रखा है इनका औसत निकाल के आंसर निकालना यह दो हजार का प्रश्न है और ये प्रश्न बड़ा शानदार है सुमेलित आपको करना है इधर भौतिक प्रदेश है इधर औसत वर्षा है तो एक बार पढ़िए प्रश्न को और फिर जवाब दीजिए नॉर्मली ऐसे प्रश्नों को कम ही सॉल्व करवाते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्नों से लोग बचते हैं ऐसे प्रश्नों पर तो हाई कोर्ट तक रिट लगी है लेकिन विभाग ने आंसर चेंज नहीं किए उनका मानना है आंसर यही है इसका मैं बताऊंगा किस आधार पर आंसर है पहले तो आप प्रश्न पढ़ो ये कह रहा है उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान अब ये तो सीधे सीधे मैच हो रहा है सीधे सीधे मैच हो रहा है कि उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की वर्षा तो यही है बारह से पंद्रह सेंटीमीटर आपने देखा कि ए में एक है देखो इस प्रश्न में परीक्षक ने कितना दिमाग लगाया है मैं बार बार कह रहा हूं जिस मंच से आप क्लासें ले रहे हो ये मंच संदर्भ है ऑथेंटिक है और उसने हजारों बच्चों को सिलेक्शन दिलवाया है तो यहां वो हम वो प्रश्न नहीं डाल सकते जिनका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है बस आपको भ्रमित करने के लिए प्रश्न डाले जाते हैं यूट्यूब चैनलों पर तो बहुत सारी क्लासे मिलेंगे आपको अब ये जो सामने प्रश्न है परीक्षक ने यह प्रश्न क्यों डाला उसको पता था कि स्टूडेंट इसमें जबरदस्त तरीके से भ्रमित होगा लेकिन जब हम विकल्प पे पहुंचे ना तो विकल्प उसने इतने इजी डाल दिए कि आपका प्रश्न का आंसर केवल एक ही विकल्प से निकल रहा है और तुम अगर विकल्प नहीं पढ़ो और केवल इनको ही पढ़ते रहो ऊपर से तो तुम्हारा आंसर ही नहीं निकलेगा इसका कैसे नहीं निकलेगा देखो मैदान में वर्षा बता रहा है चालीस से अस्सी ठीक है चलो आप मैदान में अस्सी नहीं मानते हो आप बीस से नब्बे मानोगे तो बीस सेंटीमीटर तो बहुत कम हो गया ना बीस में कौन सा आएगा मैदान का जिला आप बताओ एक भी जिला नहीं आएगा और यहां इसने पचहत्तर दे रखा है हाड़ोती के सामने लेकिन आपको ये तो पता है तीन को तो गोली मारो आप तो ये बताओ ये उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में ये तो होगी ये तो सबको कंफर्म पता है और इसमें एक विकल्प में जो ए में ए दे एक दे रखा है वो ना तो यहां पर है ना यहां पर है ना यहां पर है। वो एक ही में, किस में? में। तो आपको सोचना ही नहीं था ऐसे प्रश्न आते हैं इसके से। तो इन का आंसर जब आप निकालोगे तो कई बार विकल्प से भी प्रश्न ईजी हो जाते हैं और आज की क्लास में ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले हैं आपको आगे ठीक है चलिए अगला देखो पढ़िए इसको प्रश्न देखने में जरूर ऐसा लग रहा होगा कि एक प्रश्न पूरे एक पेज में ही आया है, लेकिन प्रश्न में है कुछ भी नहीं राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने क्या लिखा है इसने यहां लिखा है भौतिक विभाग ओके क्या नाम है भौतिक विभाग का नाम दक्षिणी पूर्वी पठार सेल समूह कौन से मिलते हैं क्रम ठीक है और धरातली लक्षण क्या है इसका धरातली लक्षण है गोडवाना लैंड का विस्तारित भाग सब में ऐसे ही मिलेगा आपको बी में क्या कह रहा है भौतिक भाग का नाम तो है पश्चिमी बालुका मैदान ओके सेल समूह कौन से हैं रायलो क्रिटेशियस क्रम के हैं चलिए और धरातली लक्षण क्या है टेथी सागर का अवशेष है ऐसे ही आपको चार ऑप्शंस पढ़ने और फिर चुनाव करो इसका आंसर क्या होगा फटा फटाफट से 360 डिग्री पे घुमा दूंगा आज के प्रश्नों में आपको और ये इसलिए भी जरूरी है कि आप परीक्षा में ना घूमो ठीक है परीक्षा में भ्रमित नहीं रहो इसलिए वो प्रैक्टिस पहले ही कर लो चलिए विकल्प नीचे हैं इस प्रश्न का जवाब जो भी आप मैं चेक करूंगा इसमें नॉर्मली मैं आपके कमेंट कम देखता हूं लेकिन इस प्रश्न में कुछ आगे प्रश्नों में मैं चेक करूंगा कि आप क्या सोच पा रहे हो इन प्रश्नों में इतना टब भी नहीं है जितना आप सोच रहे हो क्योंकि मैं थार वगैरह तो पढ़ा चुका हूं आपको सी सी जवाब आ रहा है इसमें ओके चलिए चेक करते हैं देखो इसने कहा है दक्षिणी पूर्वी पठार है एक भौतिक प्रदेश है जिसमें सेल समूह विंध्यन क्रम के बिल्कुल हारोती प्रदेश को विंध्यन क्षेत्र और दक्कन लावा क्षेत्र दो भागों में डिवाइड करते हैं ना तो विंध्यन क्रम के चट्टान मिलती है यहां पर बिल्कुल सही बात है और धरात्रि लक्षण किसका भाग है यह गौरवर्णलैन का अरावली और ये दोनों गौरवर्ण लेन के भागी तो हैं तो ये बात तो क्या है इसमें सही है भौतिक भाग है पश्चिमी बालू का मैदान बिल्कुल सही बात है रायलो क्रिटेशियस काल के क्या मिलते हैं इसमें चट्टान मिलते हैं सैल मिलते हैं और धरातल लक्षण क्या है किसका अवशेष है सागर का ये बात भी सही है चलिए तीसरा चेक करते हैं अरावली सैल समूह कौन से हैं दिल्ली क्रम देहली क्रम देहली क्रम रायलो क्रम और एक आता है अजबगढ़ समूह ये सब अरावली के हिस्से हैं धरातली लक्षण है प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला ये बात भी करेक्ट है पहला भी सही है दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है चौथा पढ़ो उत्तरी पूर्वी मैदान की बात कर रहा है जो नदियों ने बनाया है सैल समूह दक्कन लावा ये लावा से नहीं बना है विंध्यन क्रम इसमें नहीं मिलता है और आगे दे रखा है सिंधु सिंधु नहीं गंगा नदी के मैदान में आता है समझ पा रहे हो इस बात को हाँ गंगा नदी के मैदान में आता है तो एक दो तीन तो सही है ठीक है चौथा गलत हो जाएगा इसमें तो आपका राइट आंसर जो होगा ना इसमें वो होगा सी ठीक है सी राइट आंसर है आपका और ये कुछ ने जवाब भी सही दिया है मीना नाम लेना चाहूंगा मैं मीना है बिट्टू है अभिषेक है निशा है कपिल है और साहिल है साहिल का तो डी है गलत है सरिता है सी है और ये खेड़ी मिल्क है कोई इनका भी सही है बहुत अच्छा प्रश्न था बहुत शानदार प्रश्न था और परीक्षा में वो प्रश्न है जो आपके पसीने छोड़ा देंगे ये वो प्रश्न है ठीक है जवाब दीजिए इनका ढंग से और काउंट करना है आज की क्लास में आपके कितने सही होते हैं और कितने गलत होते हैं कितनों को आप अटैम कर पाते हो चलो अगला प्रश्न लो अगला प्रश्न है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम बताना है आपको यानी आप यात्रा कर रहे हो नॉर्थ से साउथ की तरफ तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्या क्रम रहेगा फटा फटाफट जमाओ सारे इंपॉर्टेंट है किसी एक पे इंपॉर्टेंट नहीं लगा सकता मैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बताओ विंध्यन श्रेणी लूनी बेसिन शेखावाटी अब ये कह रहा है कि तुम्हें उत्तर से दक्षिण आना है तो विंध्यन श्रेणी तो रह गया नीचे और शेखावाटी रह गया ऊपर ये तो उल्टा हो गया लूनी विंध्यन और शेखावाटी ये भी उल्टा हो गया शेखावाटी फिर विंध्यन फिर लूनी और फिर माही का मैदान यह प्रश्न जो है ये विकल्प ये अधूरे हैं ठीक है इनको अधूरा डाला गया है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा थोड़ा बहुत अगर आपको कंफ्यूज करता है इसमें ठीक है तो वो क्या करता है कि लूनी और विंध्यन में कौन पहले आएगा तो आप ऐसे चेक करो कि लूनी का अंतिम भाग सांचौर से जाकर फिर गुजरात में जाएगा अब सांचौर और विंध्यन क्षेत्र तो ऊपर रह गया ना धौलपुर करौली धौलपुरकर उमापुर हिस्सा ऊपर की तरफ रह गया तो राइट आंसर आपका क्या है इसमें सी करेक्ट आंसर है बहुत बढ़िया डी गलत हो जाएगा और डी वैसे भी अधूरा है ठीक है इसमें विकल्प और भी अड़ होते आगे अधूरा है चलिए बहुत बढ़िया ये लो राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है आराम से पढ़िए हड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है पश्चिमी रेतीले मैदान का इकतालीस पॉइंट पचास प्रतिशत बाद बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है और अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है तो आप एक बार बताइए क्या आंसर होगा इसका फटाफट से बताओ कौन से सत्य हैं ये भी देख लेना कौन से कथन सत्य हैं इसकी बात कर रहा है फिर नीचे ऑप्शन हैं आपके फटाफट बताओ मैं बार बार कह रहा हूं तीन डिग्री पे घुमाने वाले प्रश्न है हालांकि ये ईजी है प्रश्न इसमें ऐसा कुछ नहीं है और अभी तो ज्योग्राफी में जितना भी करंट में कुछ चेंज हुआ है वो सब कुछ आगे आने वाला है ठीक है सी सी जवाब आ रहे हैं आपके चलो चेक कर लेते हैं ये कह रहा है कि हड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में पश्चिमोत्तर में कहा आता है आप बताओ उत्तर पश्चिम में कहा आता है ये तो दक्षिण पूर्व में आता है ना हड़ौती तो ये तो दक्षिण पूर्व में आता है तो पहली लाइन क्या हो गई इसमें गलत जबकि वो क्या पूछ रहा है सत्य पूछ रहा है अगला पढ़ो पश्चिमी रेतीला रेतीलास पॉइंट पांच प्रतिशत में बिल्कुल सही बात है युक्त में अट्ठावन तो आता है इकतालीस पॉइंट पांच ठीक है तो ये बात क्या है इसमें सही है संरचनात्मक दृष्टि से देखो हमारा मैदान तो आएगा उत्तर के व्रद मैदान में और आपके पठार में आ जाएगा अरावली और हड़ौती तो ये बात सही है अरावली वर्तमान में कैसा पर्वत है अवशिष्ट पर्वत है तो यह बात भी सही है तो दो तीन और चार ये सही है आपके सी राइट आंसर होगा इसमें जो लगभग लगभग ने ने सही दिया और कुछ ने आंसर डिलीट कर दिया प्रश्नों में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले तो कमेंट करके बताओ प्रश्नों में लेवल है या नहीं है यह भी कमेंट करके बताओ क्योंकि अगर मैं इजी प्रश्न डालता हूं तुमसे तो अरावली की लंबाई पूछता हूं ठीक है तुमसे चोटियों की लोकेशन पूछता हूं तो वो तो है समय खराब करना इसलिए मैं कहता हूं कि प्रश्नों की प्रकृति को समझो कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है अब प्रश्न का आपने यहां तो डिलीट कर दिया वो में भरने के बाद कैसे डिलीट करोगे बताओ वहां तो भर जाएगा ना एक बार आगे देखो अभी तो और भी हैं बहुत सारे ऐसे ये लो महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता फटाफट प्रश्न पढ़ो और जवाब दो क्या आंसर होगा इसमें बताइए हाँ बहुत अच्छे हैं बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार जवाब दीजिए आप, आप इसमें क्या आंसर होगा देखते जवाब दो देखते जवाब आना चाहिए ये तो इजी सा प्रश्न है इसमें क्या गड़बड़ करोगे आप ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट हिमालय के अंदर ऐसे बहुत से भ्रंश मिलते हैं इंडो सांगपो सिचर जोन मुख्य सीमांत भ्रंश ठीक है इसमें बताओ क्या आंसर होगा महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता प्रश्न तो है ये जवाब आ रहे हैं आपके भीलवाड़ा कोटा देखो इसने कहा है किस जिले से नहीं गुजरता ये तो सबको पता है इन दोनों का संबंध तो कन्फर्म है चित्तौड़गढ़ का और सवाई माधोपुर का ठीक है और चित्तौड़गढ़ के जस्ट उत्तर में ही कौन आता है भीलवाड़ा और वो सवाई माधोपुर के पास में कौन आता है कोटा कई जगह तो इसमें आंसर मिलेगा आपको कोटा और कई जगह आंसर क्या दे रखा है इसमें भीलवाड़ा हालांकि विभाग ने जो आंसर माना है मैं तो केवल उस आंसर की बात कर रहा हूं बाकी महान सीमांत भ्रंश आप जानते हो मैदान और पठार के बीच का एक ऐसा भाग है जो दोनों की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है एक हिस्सा सागर का अवशेष है एक हिस्सा गोडवाना लैंड का अवशेष है उसको हम महान सीमांत भ्रंश कहते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं और इसके अंदर जो विभाग ने आंसर माना है ठीक है वो आंसर क्या माना है तो याद रखना इसके अंदर जो आंसर माना गया है वो भीलवाड़ा राइट आंसर माना गया है ठीक है चलिए अगला प्रश्न ये लो यह भी नॉर्मल सा प्रश्न है आराम से जवाब दे सकते हो आप राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन चुनिए क्या कह रहे हैं राज्य के इकसठ पॉइंट ग्यारह प्रतिशत भूक्षेत्र में मरुस्थल का रेतीले मैदान का विस्तार है नौ पॉइंट साठ प्रतिशत भूक्षेत्र में रावली पर्वत का विस्तार है तेईस पॉइंट तीन प्रतिशत में मैदान है और छह पॉइंट में पठार है नीचे विकल्प है फिर बताइए क्या आंसर होगा बताइए वैकेंसी वगैरह की जानकारी हालांकि आज जो मीटिंग है मैं तो मीटिंग की बात कर रहा हूं बाकी आपको इस प्रकार की जानकारी तो मैनेजमेंट बताएगा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप सर्च कर लेना बाकी कन्फर्म है आपकी वैकेंसी तीन से लेकर आठ अक्टूबर के बीच में शत प्रतिशत आ जाएगी ठीक है यह आज की मीटिंग है एक शाम को उसमें डिसीजन हो जाएगा और बाकी तैयारी कीजिए वैकेंसी तो आनी है तो सबको पता है तैयारी सुनिश्चित तो होनी चाहिए वैकेंसी आने से सिलेक्शन नहीं होगा तैयारी करने से सिलेक्शन होगा सी जवाब आ रहे हैं हैं आप सभी के चलो चेक करते हैं। देखो मरुस्थल में है ये सबको पता है लेकिन एक बात बताओ अरावली नौ पॉइंट साठ प्रतिशत में क्षेत्र में आता है नौ या नौ पॉइंट एक में आता है नौ पॉइंट एक तक तो फिर भी पढ़ा होगा नौ पॉइंट छ तो कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने तो कन्फर्म है तो ये बात तो है इसके अंदर गलत भाग पर मैदान है है बात इसमें सही है। और ये जो है सी सी लग रहे है ना वो सबका गलत है ये चेक तो कर लिया करो कि कह क्या रहा है नौ पॉइंट साठ परसेंट मरावली कब से आती है नौ परसेंट में आती है दस परसेंट जनसंख्या निवास करती है अधिकतम तुम नौ पॉइंट एक ले जा सकते हो इसको अब ये प्रश्न 2023 के एग्जाम में आया हुआ है और मैं गारंटी दे रहा हूं जब तक तुम ये चेक नहीं करोगे कि ये आंसर इसका क्यों है और ये आंसर इसका क्यों नहीं है अगर इस अंतर को आप करना सीख गए तो आप औरों से कम से कम पांच छह प्रश्न अलग ठीक करके आओगे और हम क्या करते हैं जल्दबाजी में पढ़ लिया टिक लगाया गोला भर दिया नहीं जिस प्रश्न में कन्फ्यूजन है उसमें आप ये भी सोचिए कि ये आंसर इसका क्यों है और ये इसका आंसर क्यों नहीं है ये विशेष बात है मैं बार बार इस पर डिस्कस कर रहा हूं चलो अगला प्रश्न लो अगला प्रश्न भी अच्छा है आराम से पढ़ना फिर जवाब देना है राजस्थान के मरुस्थल के विषय इन में इनमें से कौन सा कथन सही है मैं आपको पढ़ा चुका हूं मरुस्थल इसलिए कह रहा हूं प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए ठीक है और प्रश्न को ढंग से पढ़िए और फिर जवाब दीजिए आपको उनकी का समय समझ गए ना उनकी का हाँ अब बताओ राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर जिले शामिल हैं थार मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग पचास प्रतिशत है राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है और राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव होता है जिसमें औसत वार्षिक वर्षा दस सेंटीमीटर से कम होती है और प्रश्न को ढंग से पढ़ना और फिर जवाब देना है करो चुनाव क्या आंसर होगा इसका मैं आपका आंसर चेक करूंगा फटाफट बताओ अच्छा प्रश्न है ये ये मान के चलो मेरे फेवरेट में है यह ओके कीजिए तैयारी आज का समय ही तैयारी का है आंसर बताइए क्या होगा इसका फटाफट से ए ओके ए के अलावा किनका आंसर है बी चलिए देखो 28 बच्चे लाइव देख रहे हैं लाइक तेरा ने किया है और शेयर भी नहीं किया होगा एजुकेशन के अंदर ऐसा मानते हैं कि सरस्वती माँ ठीक है जब तक साथ नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलती है और पूर्ण ईमानदारी से जब तक तैयारी नहीं करोगे तब तक भी सफलता नहीं मिलती है हाँ क्लास ले रहे हो लाइक तेरों ने कर रखा है शेयर भी नहीं किया होगा तो ये चीज़ें बार बार मैं वैसे कहता भी नहीं हूँ लेकिन क्लास में जो मेहनत है मैनेजमेंट की टीचर्स की इस मंच की आ, उसके लिए कम से कम ये चीज़ें तो आपको करनी चाहिए इनको शेयर करो ठीक है लाइक like करो और जो बेनिफिट आपको यहां से मिल रहा है उसको ग्रहण करो हर क्लास के बाद कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको चलो यह प्रश्न बहुत घुमाने वाला था और मुझे बेहद खुशी हुई है कि आप नहीं घूमे इसके अंदर इस बात का मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही कि आप नहीं घूमे देखो ये नीचे के सारे विकल्प घुमाने वाले हैं लेकिन यह क्या पूछ रहा है सही और हमें पहली लाइन सही मिल गई ना कि जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर और जोधपुर ये किस में आते हैं ये रेगिस्तान में आते हैं जब हमें पहली ही लाइन ठीक मिल गई सही मिल गई और पूर्ण कॉन्फिडेंट है आपको कि ये पहला सही है तो आपको तीन ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है समय बचाने के लिए समझ गए ना समय बचाने के लिए अब आप देखो ये गलत कैसे है मैं बता देता हूं ये कह रहा है राजस्थान के कुल भूभाग का पचास नहीं है इकसठ पॉइंट ग्यारह परसेंट है नीचे क्या कह रहा है एक बड़ा भाग है जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल अरे भारत में गर्म मरुस्थल ही एक है ओनली थार और एक ठंडा है लद्दाख तो तीसरा कहा से आया ये गलत हो गया राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव किया जाता है यहां तक तो है ये लाइन सही यहाँ तक तो ये लाइन सही है लेकिन आगे क्या कह रहे हैं यहाँ वार्षिक वर्षा 10 ये गलत है वार्षिक वर्षा 25 से 30 या से 40 सेंटीमीटर तक होती है यहाँ पर तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया ये राइट आंसर हो गया बहुत बढ़िया शानदार जवाब दिया आप सभी ने ये लो अगला प्रश्न पढ़ो अगला प्रश्न है गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में डैश कहते हैं तो ये ढोर लिख दिया है ढोर नहीं कहेंगे बच्चों को बुरा लग जाएगा ढोरे कहते हैं इसको ढोरे लिखना चाह रहा था ढोरे रोयड़ा खिजड़ी और दरियन फटाफट बताओ जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको ये कहा था एक शब्द याद रखना गतिशील रेत के टीले या बालू का स्तूप स्थानीय भाषा में धरियन या धरियान कहलाते हैं इस पर मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं और सर्वाधिक गतिशील सर्वाधिक गतिशील कौन सा बालू का स्तूप रहता है तो सबको पता है बरखान रहता है और गतिशील बालू का स्तूपों को क्या बोला जाता है धरियन या ध्रियान बोला जाता है डी राइट आंसर होगा इसमें बहुत बढ़िया चलो अगला प्रश्न लो थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है इसका जवाब दीजिए यह आपके 2023 के ही किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा नखलिस्तान चंद्राकार बालू के स्तूपों में गर्त उत्सुत बेसिन और मरुस्थल में प्लाया जवाब दीजिए क्या आंसर होगा इसका फटाफट बताओ इस प्रश्न का जवाब आप जितने सहजता से दोगे उतना तो सहज ये प्रश्न है नहीं पहली बात बता देता हूं मैं आपको इस प्रश्न को इसने बहुत घुमाया है बहुत अंदर से डीपली ये प्रश्न पूछा गया है ऐप के ऊपर मैं पढ़ा चुका हूं ये भी बता देता हूं मैं आपको उसके बावजूद भी तुम इसमें गड़बड़ करोगे ये भी बता देता हूं आपको ठीक है बी और ए जवाब आ रहे हैं आपके चलो चेक करते हैं बहुत बढ़िया है। देखो मैंने आपको बताया था कि मरुस्थल में ये बड़े बड़े रेत के जो टीले हैं इनको तो कहते हैं धोरे इनके मध्य के भाग को कहते हैं तल्ली और जब इसमें मानसून के समय पानी बढ़ जाता है तब इनको रन टाट या ढाड ये शब्द मैंने लिखवाया आपको चेक कर लेना ठीक है अभी रुको अभी तो फॉर्म की डेट वगैरह आपको एक बार आप कोचिंग के नंबर्स पे कांटेक्ट कर लिया करो ठीक है ढांट और इनको शेखावाटी में कहते हैं सर ढांट ही पूछ रहा है आपसे ठीक है ज़्यादातर इसमें प्लाया दिमाग में लाते हैं बच्चे कि प्लाया होगा प्लाया नहीं है प्लाया खारे पानी की झीले हैं परमानेंट या अस्थायी चीजें ये वाली तो यहाँ रायट आंसर क्या आएगा बालू का स्तूपों में क्या है ये गर्ती तो है ये नीचे वाला भागी तो है गर्त बोलते हैं इसको इसको तल्ली कहते हैं तो राइट आंसर आपका इसमें बी होगा बहुत बढ़िया शानदार चलो अगला प्रश्न लो लीजिए पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है विकल्प दे रखे अजगर मगरमक्ष घड़ियाल और सांप फटाफट बताओ पीवड़ा के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं तो नेशनल डेजर्ट पार्क राष्ट्रीय मरुदान राष्ट्रीय मरुदान जैसलमेर बाड़मेर जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है इसके अंदर पाया जाता है और सामने क्या दे रखा है सांप ये फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ है इसमें पूछा गया है इसमें ज्यादातर बच्चे जल्दबाजी में जिक्र कर देते हैं गलत हो जाएगा घड़ियाल करौली का शुभंकर है और मगर मत याद रखना बाड़ा जिले का शुभंकर ठीक है चलिए अगला प्रश्न लो बांसधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण्य में स्थित है यह आपके ही लाइब्रेरियन के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है यह आपके ही लाइब्रेरियन के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है बांसधारा पहाड़ी कौन से अभ्यारण में है बंद बारेठा बंद बारेठा जो कि भरतपुर में है ठीक शेरगढ़ अभ्यारण्य जो बारह में है सज्जनगढ़ उदयपुर और माउंट आबू सिरोई और ये जो तो सिंपल सा प्रश्न है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में है बांसदारा और याद रखना आपके एग्जाम्स के अंदर जितने भी प्रश्न आए हैं मैं ये कह सकता हूं फिफ्टी परसेंट ईजी थे और फिफ्टी परसेंट बहुत हार्ड थे अब ये कोई नॉर्मल प्रश्न नहीं है ये जो पूछा गया है ऐसी जानकारी नॉर्मली स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, ठीक है तो अच्छा प्रश्न था ये सी राइट आंसर है इसमें चलो अगला लो गमधर का जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है चूरू करौली सीकर और उदयपुर गमधर बायोलॉजिकल जो पार्क है ये बड़ा हाईलाइट रहा है राजस्थान के अंदर बाईस तेईस में और तेईस में किसी एग्जाम में फॉरेस्ट गार्ड वाले एग्जाम में ये पूछ लिया आपसे तो फटाफट बताओ क्या आंसर होगा इसका विकल्प सामने है चूरू करौली सीकर और उदयपुर राइट आंसर बताओ चलो बायोलॉजिकल जो पार्क है राजस्थान में गमधर एक नाम से आपसे पूछा गया है और ये फेमस है कहां पर उदयपुर जिले के अंदर बहुत हाईलाइट रहा है डी राइट आंसर है इसका चलिए ये अलग जो डाटा है आपको नई जानकारी जो मिलती है उसको तुरंत नोट कर लिया करो अगला प्रश्न लो राजस्थान में नारगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन वर्ष डैश में किया गया था यह प्रश्न डालने का एक अलग ही लॉजिक है इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा लॉजिक क्या है वो एक बार आप जवाब दो उसके बाद समझाऊंगा बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ नारगढ़ अभेड़ा कोटा माचिया सफारी ये सब बायोलॉजिकल पार्क हैं जहां वन्य जीव जंतुओं को वहां प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है एक होते हैं चिड़ियाघर जंतु है, वाले वहां लगभग लगभग एक तरह से उनको कैद में रखा जाता है यहां विस्तृत क्षेत्र होता है नेचुरल वातावरण दिया जाता है अब देखो इस प्रश्न में लॉजिक यही था कि इसने पूछा है उद्घाटन वर्ष ठीक है चौदाह में मंजूरी मिली थी उद्घाटन वर्ष सोलह था तो राइट आंसर इसमें सी है ठीक है हाँ ये इसलिए प्रश्न डाला था मुझे पता था इसमें आप कंफ्यूज रहोगे चलिए अगला लो कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है ये तो व्यवहारिक प्रश्न है भले ही आपने ये कहीं नहीं पढ़ा हो इसके बावजूद भी आप इसका आंसर दे सकते हो क्या कह रहे हैं वनोन्मूलन करना वन रोपण करना अभ्यारणों की स्थापना करना और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना फटाफट बताओ क्या आंसर होगा बताइए देखो यह कह रहा है वन्य जीव और जैव विविधता के संरक्षण में बाधक है बाधक है क्या वनोन्मूलन करना वनों का विनाश करना ठीक है डिफॉरेस्टेशन करना फॉरेस्टेशन नहीं कर रहे हो आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो आप क्या कर रहे हो वनोन्मूलन कर रहे हो तो इसका मतलब है ये तो बाधक होगा बाकी सब उनकी वृद्धि में सहायक है चलिए साहब अगला प्रश्न लो अगला प्रश्न है रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है इसका आप जवाब दीजिए और इस पर मैं चर्चा तभी करूंगा जब इसका आप आंसर दोगे विकल्प है जैविक उद्यान राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित और यूनेस्को एम मैन एंड बायोस्फीयर मानव एवं मानव एवं जैव आरक्षित क्षेत्र मैब यूनेस्को शामिल करता है इसमें तो फटाफट बताओ क्या आंसर होगा ए आंसर आ रहा है इसमें सी ए आप मुझे एक बात बताइए 2022 में रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य जहां से मेज नदी गुजरती है ये क्यों चर्चा में रहा यह चर्चा में रहा यहाँ राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना संचालित हुई है चौथी बाघ परियोजना और बाघ संरक्षित यहां लिखा हुआ है स्पष्ट लिखा हुआ है ना मुझे पता है प्रश्न कन्फ्यूज करने वाला था इसलिए मैंने डाला है राइट आंसर तो है इसमें आपका सी कुछ का जवाब आ रहा है ये कुछ का ये आ रहा है और कुछ का ये आ रहा है जब आपको सीधे सीधे पता है कि राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना दो के अंदर रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण बूंदी के अंदर बनी है रामगढ़ क्षेत्र बारह में वो अलग है ये बूंदी वाले की बात हो रही है तो आपका सीधे सीधे क्या दे रखा है बाघ संरक्षण दे रखा है तो ये राइट आंसर हो गया इसमें इतना कंफ्यूज क्या होना ये सारे प्रश्न आए हुए हैं ये लो कौन राजस्थान में गिद्ध संरक्षण के लिए अनुसंधान कार्य कर रहा है ये प्रश्न भी दो का है दाऊलाल बोहरा भावना तंवर सुमीर सिंह भाटी अनिल चोपड़ा बताओ ये सब करंट को रिलेटेड करके जोग्राफी के अंदर से प्रश्न है ये आप नॉर्मल जो प्रश्न पढ़ रहे हो आजकल उनमें से प्रश्न कम आ रहे हैं करंट को जोड़कर प्रश्न पूछ रहा है आपसे तो बताओ इसमें क्या आंसर होगा यहां अगर मैं आपसे बात करूं गिद्ध संरक्षण की तो गिद्ध के वर्तमान में गिद्धों की शरण स्थली वैसे तो सरिस्का अलवर के आसपास ज्यादा है लेकिन गिद्धों के संरक्षण के लिए जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर एक कंजर्वेशन रिजर्व खोला है ठीक है जोहड़बीड़ बीकानेर में और ये दाऊलाल बोहरा बीकानेर के हैं और अंतरराष्ट्रीय गिद्ध संरक्षण केंद्र यानी जो संस्थान है अनुसंधान के सेंटर है उसके सदस्य हैं दाऊलाल बोहरा बीकानेर से और गिद्धों के संरक्षण के लिए जो कंजर्वेशन रिजर्व खोला है जोड़बीट बीकानेर में वो भी बीकानेर के अंदर है तो विशेष बात है याद रख लेना टिक लगा लेना 2022 में बहुत रहा प्रश्न अगला लो हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने यह प्रश्न बड़ा शानदार है उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्त प्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है ये लो इतना शानदार प्रश्न पूछा है हाई कोर्ट का आदेश है ठीक है सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं ना तो उसने ये कहा है कि जो लुप्तप्राय जाति को बचाने हेतु जो प्रोजेक्ट टाइगर हमने चलाया था उसी की तर्ज पर आपको इसको भी बचाना है किसको बचाना है तो ऑप्शन दे रखे हिम तेंदुआ कश्मीरी लाल हिरण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक सिंग वाला गेंडा गोल्डन कलेक्शन नहीं है ये डायमंड कलेक्शन है प्रश्नों का और इनके आधार पे तुम ये भी पता कर सकते हो कि भविष्य में संभावित प्रश्न तुमसे क्या पूछे जाने वाले हैं कहां तक परीक्षक का दिमाग जा रहा है ठीक है यह भी आप डिसाइड कर सकते हो इसमें देखो जब यह प्रश्न पूछा गया उस समय सबको पता है राजस्थान का आपको एग्जाम दे रहे हो राजस्थान के अंदर से अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो जो भी यहां पर कैटेगरी दे रखी है उसमें से राजस्थान में तो एक ही आता है, है? राज्य पक्षी है और लगभग लगभग विलुप्ति के कगार पर है राजस्थान में जैसलमेर में सर्वाधिक मिलता है सोरसन बारह ठीक है सौखली अजमेर इनमें आपको सर्वाधिक मिलेगा और विलुप्ति के कगार पर है कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो टाइगर प्रोजेक्ट की तर्ज पर टाइगरों को बचाया गया था उसी तर्ज पर आपको इसको बचाना है तो राइट आंसर क्या हो गया आपका सी राइट आंसर है इसमें बहुत बढ़िया चलो अगला प्रश्न लो निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण सबसे बड़ा है आराम से जवाब देना सोच समझ के कैला देवी कुंबलगढ़ और फुलवारी किनार आपको ये तो पता ही होगा ना कि क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरुद्धान है जैसलमेर बाड़मेर इकतीस सौ बासठ वर्ग किलोमीटर ठीक सेकंड नंबर पे कैला देवी आता है छह सौ छहत्तर वर्ग किलोमीटर कुंभलगढ़ छह सौ दस वर्ग किलोमीटर यह तो बहुत छोटे हैं तो आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें कैला देवी करोली बहुत बढ़िया अच्छा प्रश्न था है। ये छोटे हैं सरिस्का ए सेकंड पर सज्जनगढ़ और थर्ड पर ताल छापर ये तीन सबसे छोटे हैं चलो अगला प्रश्न लो हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था यह प्रसिद्ध है टाइगर सफारी के लिए पक्षियों के लिए हाथी सफारी के लिए और लेपर्ड सफारी के लिए जवाब दीजिए क्या आंसर होगा ये बहुत चर्चाओं में रहा हम ए फटाफट बताओ क्या आंसर होगा ये तो बहुत चर्चाओं में रहा है इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए अरे आमागढ़ के नाम में ही आता है आमागढ़ लेपर्ड सफारी ये तो इसके नाम में ही आता है और कितने एग्जाम्स में पूछा गया है जब से बनाया है इसको बहुत फेमस रहा है आमागढ़ आमागढ़ हर एग्जाम में आमागढ़ पूछा जा रहा है बस किसी में लोकेशन पूछेगा किसी में ये किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछेगा हाँ बहुत बढ़िया चलो अगला लो जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है ये तेंदुआ के लिए कई योजनाएं गवर्नमेंट ने अभी लागू की हैं हाल फिलहाल के अंदर मैं इन योजनाओं पर भी एक प्रश्न आने वाला है आगे उस पर भी चर्चा करूंगा लेकिन अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है एक विशेष बात मैंने आते ही कही थी कि दो के प्रश्न है आज की क्लास में तो हो सकता है ये प्रश्न आगे के एग्जाम में हु रिपीट हो और उससे संबंधित उस लेवल से संबंधित आपको प्रश्नों की तैयारी करनी है फटाफट बताओ क्या आंसर होगा कुकस मोहनपुरा झोटवाड़ा और झालाना तो ये तो सबको पता है ना कि जो वन क्षेत्र एरिया आपको स्पष्ट दिख रहा है कौन सा झालाना राइट आंसर आपका झालाना है इसके अंदर बहुत बढ़िया ये तो कोई गलत नहीं करेगा चलो अगला प्रश्न लो तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया है ये प्रश्न अच्छा है देखो तेंदुआ से दो प्रश्न आ गए 2023 के कई एग्जाम्स के अंदर तेंदुआ से कई प्रश्न पूछे इस क्लास में तेंदुआ से दो प्रश्न हो गए अच्छा मनोज मीना कुकस से हैं। बहुत बढ़िया बताओ बीकानेर जंतु वाले जैसलमेर कोटा जंतु वाले और जयपुर वाले तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया यह आपसे पूछना चाह रहा है विकल्प दीजिए क्या आंसर होगा बीकानेर जंतु जंतुआलय को वर्तमान में बंद कर दिया गया है यूज में नहीं आ रहा 1922 में इसको जंतु जंतुआल बनाया था कोटा जंतु आलय स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद स्थापित स्थापित राजस्थान का राजस्थान का एकमात्र जंतु है एकमात्र जंतु आल है। ठीक जयपुर जंतु है, अठारह में स्थापित हुआ और याद रखना राजस्थान का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जंतु है कौन सा जयपुर जंतु है, क्लियर है राइट आंसर तो है जयपुर जंतु है। और घड़ियालों का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है ये घड़ियालों का कृत्रिम प्रजनन केंद्र और इसकी स्थापना राम सिंह सेकंड ने करवाई थी राम सिंह सेकंड ने करवाई विशेष बात है इसके अंदर तो राइट आंसर आपका डी है चलिए अगला प्रश्न लो निम्न कथनों पर विचार कीजिए अच्छा प्रश्न है ताल पर अभ्यारण एक काली मृदा क्षेत्र है राज्य में गांगे मैदान में केवलादेव राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है इस उद्यान का संपूर्ण क्षेत्र मैदानी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर ठीक है भरतपुर विश्व धरोहर से गौरवान्वित है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है आपको बताने हैं गए है, कैख है और कै फटाफट बताओ डायमंड कलेक्शन है आज की क्लास में प्रश्नों का वैसे तो सभी क्लासों में रहता है लेकिन आज थोड़ा सा आपको लेवल दिया गया है थोड़ा अंदर गहराई में तो एक बार चुनाव कीजिए और आंसर दीजिए फटाफट और मैंने ये कहा था लास्ट में आपको ये भी बताना है किसके कितने आंसर्स ठीक हुए बताइए ये प्रश्न अच्छा है एक जवाब आ रहा है ओके अच्छा आप एक बात बताओ इसने कहा है सही कथन बताने क्या कह रहा है ये ताल छापर में काली मृदा और ताल छापर का मतलब चूरू चूरू में काली मिट्टी कहां से आई पहला ही गलत हो गया फिर देखो नीचे कह रहा है राज्य में अच्छा प्रश्नों को अगर आपको बहुत समय बचाना हो ना तो कैसे समय बचाओगे देखो कन्फर्म पता है कि कै गलत है तो ये नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता अब आपके पास में दो बचे दो में देखो ख कॉमन है ख यहां भी है और ख यहां भी है तो आपको ओनली कौन सा पढ़ना है गय पढ़ना अगर समय बचाना है ना पेपर के अंदर तो इस प्रकार से आप समय बचा सकते हो क्यों बार बार ऑप्शंस पढ़ो ओनली गय पढ़ना है और सुनिश्चित कर लो गह में क्या कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर विश्व 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 में में शामिल शामिल है बिल्कुल के के अंदर अंदर प्राकृतिक हुआ था और 81 के अंदर इसको नेशनल पार्क बनाया था और ये रामसर स्थल में भी शामिल है तो ये बात सही है ना तो आपका राइट आंसर क्या हो गया एक हो गया ये लो जिस ऑप्शंस का आपको कंफर्म पता है कि ये गलत है और वो चार जो ऑप्शंस हैं उनमें जहां भी दे रखा है उसको सुनिश्चित कर लो कि साहब ये तो गलत है तो उसके अलावा जो कॉमन ऑप्शन है वो देख लो उसके अलावा आंसर निकाल लो तो राइट right आंसर आपका कौन सा हो गया इसमें फर्स्ट हो गया और ये सभी का सही है बहुत बढ़िया शानदार ये लीजिए सर ये आपका टेलीग्राम चैनल है जिस पर मैं लगभग हर क्लास में चर्चा करता ही हूँ आपसे टारगेट अभी का और अभी जो बच्चे कुछ पूछ रहे थे मुझसे वो इनसे जुड़कर आप सीधे सीधे यहां से आंसर ले सकते हो अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कोर्स चल रहा है क्या तो देखो ये रहा आपका कोर्स राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड और और मैंने अभी बताया शाम को एक मीटिंग है और कन्फर्म आपके तीन से और आठ अक्टूबर के बीच में इसकी विज्ञप्ति आने वाली सत प्रतिशत जहां से हमारे पास डाटा है वो आपको पता लग जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड कंप्लीट कोर्स है ये, वन ट्रिपल नाइन के अंदर ठीक है ये आपका मोबाइल एप्लीकेशन है टारगेट अभी का इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर कर और जिस भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हो जिसके लिए पूरे इंडिया में जाना जाता है ठीक है वहां पर इसका लाभ उठा सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो ये व्हाट्सअप नंबर है इससे जुड़कर आप कोई भी डाटा जिसके बारे में आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो या मैसेज करके आप उसको प्राप्त कर सकते हो क्लियर है ये थे आज की क्लास के प्रश्न तो एक बार कमेंट करके आप बता सकते हो किसके कितने ठीक थे मेरे हिसाब से प्रश्न अच्छे थे और आपकी तैयारी भी अच्छी है मैंने मूल्यांकन कर लिया है बहुत अच्छे जवाब दिए आप सभी ने तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद